हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, ये सेम उसी तरह रन करता है जैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट को रन करवाते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट में हम एक कंडीशन देते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास एल्स इफ एल्स है, इसमें हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक कैसे करते हैं, हम इसकी सिंटैक्स पहले देख लेते हैं एल्स इफ का। सबसे पहले यहाँ पे हम इफ़ लिखते हैं और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन देते हैं, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो वो इफ़ का जो ब्लॉक है इसको रन करेगा और बाकी सबको स्किप कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसके नीचे चेक करेगा, ये वाली कंडीशन सेकंड कंडीशन इसको चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो वो बाकी सब कुछ स्किप करेगा और ये वाला जो ब्लॉक है इसको रन कर देगा। इसी तरह अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं और ये थर्ड वाली कंडीशन जो है ये ट्रू है, तो वो ये क्या करेगा, ये थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है इसको रन करवाएगा, बाकी सब कुछ स्किप कर देगा। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स हैं, तीनों कंडीशन फॉल्स होने पे ये एल्स वाला जो पार्ट है इसको रन कर देगा। तो इसको फ्रेंड हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपने कोड में। ये हमारा कंपाइलर ओपन हो गया, इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे। छोटी सी एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक यूज़र है या फिर हमारे पास एक स्टूडेंट है जो अपने मार्क्स एंटर करेगा, और हम क्या करेंगे, हम उस मार्क्स को चेक करेंगे। अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 80 से 100 के दरमियान में है तो उसका ग्रेड ए आएगा। अगर उसके मार्क्स 60 से 80 के दरमियान है तो फिर उसका ग्रेड बी आएगा। और इसी तरह हम अगर उसके मार्क्स जो हैं 20 से कम है या फिर 40 से कम है तो वो फेल वाला जो ग्रेड होगा वो उसे मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, मैं इंट मार्क्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मार्क्स हम यूज़र से लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्कैन एफ कर लेता हूँ और मैं इसको स्टोर करवा लेता हूँ मार्क्स में, मतलब यूज़र जो भी एंटर करेगा वो इस मार्क्स वाली जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम इस मार्क्स को चेक करेंगे और इस मार्क्स के ऊपर हम एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा के यूज़र को उस हिसाब से ग्रेड देंगे, ठीक है। तो यह मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ़ मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 100 एंड मार्क्स ग्रेटर देन और जस्ट ग्रेटर देन लिख लेते हैं 80, ठीक है। तो इसमें क्या करो, इसको यूज़र को शो करवा दो कि यू हैव ग्रेड ए या फिर इस तरह का कुछ लिख दो, प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव ग्रेड ए, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एल्स लिखूँगा और यहाँ पे एक और कंडीशन देने के लिए मुझे इफ़ लगाना पड़ेगा। एक बात आप याद रख लें कि एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं लगा सकते, मतलब एल्स के साथ हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते। अगर हम ऐसा लिखेंगे एल्स के साथ तो ये हमें एरर देगा। एल्स के साथ हमें इफ़ लिखना पड़ता है और इफ़ के अंदर हमें कंडीशन देनी पड़ती है। तो मैं दूसरी कंडीशन यहाँ पे लिखूँगा, दूसरी कंडीशन यहाँ पे कैसे लिखूँगा, मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 80 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 60, ठीक है। अगर उसके मार्क्स जो यूज़र एंटर करेगा उसके मार्क्स जो हैं 80 और 60 के दरमियान में है तो उसको ये डिस्प्ले होना चाहिए कि यू हैव ग्रेड बी, ठीक है। और इसके बाद हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एल्स और दोबारा से थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे लगा लेता हूँ।
थर्ड कंडीशन में भी मैं सेम यही चेक इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40 और यहाँ पे लिख देता हूँ 60। तो इसके लिए मुझे एक अलग से ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ब्लॉक लिख लेता हूँ इसका। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से प्रिंट एफ और इसके अंदर लिख देता हूँ यू हैव ग्रेड सी, ठीक है। और लास्ट पे मैं लिख देता हूँ एल्स, एल्स के अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ यू आर फेल्ड, ठीक है। तो इसके लास्ट पे सेमीकोलन लगा के अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा, तो ये जो प्रोग्राम है यूज़र से एक वैल्यू मांगेगा, ठीक है। यूज़र से वैल्यू मांगने के बाद ये कंडीशंस को चेक करेगा, ये तीनों कंडीशंस को चेक करेगा कि यूज़र ने जो एंटर किया हुआ है वो इन कंडीशंस से मैच करता है कि नहीं। अगर वो फर्स्ट कंडीशन के साथ मैच करेगा तो ये फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है ये रन होगा, अगर सेकंड कंडीशन को मैच करेगा तो सेकंड वाला जो ब्लॉक है ये रन करेगा। इसी तरह अगर थर्ड कंडीशन मैच करेगी तो ये थर्ड वाले ब्लॉक को रन करेगा। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो ये क्या करेगा, ये एल्स वाले पार्ट के अंदर आएगा और इसको डिस्प्ले करवा देगा। तो फ्रेंड ये हमारी कंडीशन पूरी हो गई, मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये इस हिसाब से हमें मार्क्स दिखाएगा। अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ तो इसमें मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 90, तो 90 एंटर करूँगा तो मुझे ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, कंग्रेचुलेशंस यू हैव ग्रेड ए। तो मैं 90 एंटर करता हूँ, अब देखें कंग्रेचुलेशंस यू हैव ग्रेड ए। अब मैं इसको बंद करके दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ और दोबारा से इस वैल्यू को इसमें इस दफ़ा मैं वैल्यू कोई और एंटर करता हूँ, मैं 75 एंटर करता हूँ। तो अब देखें ये यू हैव ग्रेड बी, ये यू हैव ग्रेड बी क्यों हमें शो हो रहा है, क्योंकि ये जो 75 है ये 60 और 80 के दरमियान में ये वाली वैल्यू आती है। तो इसका मतलब हमारी ये जो सेकंड वाली कंडीशन थी ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी, इसलिए मुझे कह रहा है कि यू हैव ग्रेड बी। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ तो मैं वैल्यू देता हूँ 56, तो फिर ये मुझे डिस्प्ले करवाएगा यू हैव ग्रेड सी। तो ये देखें यू हैव ग्रेड सी। अगर मैं 40 से कम वैल्यू दूंगा तो ये मुझे कहेगा यू आर फेल्ड। तो मैं 40 से कम वैल्यू दे के देखता हूँ, मैं 25, तो ये देखें यू आर फेल्ड। इस तरह ये else if जो है इस तरह काम करता है कि इसमें एक से ज़्यादा हम conditions देते हैं और जो condition हमारी match हो जाए उस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी सारे ब्लॉक्स को स्किप कर देता है। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तो ये जो लास्ट वाली कंडीशन होती है हमारे पास एल्स वाला जो पार्ट होता है ये एग्जीक्यूट करता है। ये आप एक दफ़ा दोबारा से देख लें ये क्या काम कर रहा है। ये देखें इतना जो कोड है इसमें क्या हुआ, हमने एक इंटीजर मार्क्स नाम से एक वेरिएबल बनाई हुई है और यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाया कि एंटर योर मार्क्स, और यूज़र जो भी एंटर करेगा वो इस मार्क्स वाली वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ है, ये मार्क्स यानी कि यूज़र ने जो एंटर किया हुआ है अगर वो वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 है, मतलब यूज़र्स की एंटर की हुई वैल्यू 100 से कम या फिर 100 के इक्वल है, और इसके बाद लगा हुआ एंड वाला साइन यानी कि इसकी दोनों साइड वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, फिर ये हमें ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स देगा। तो दूसरी जो कंडीशन है वो अगर यूज़र ने जो एंटर किए हुए मार्क्स वो ग्रेटर देन 80 हैं, मतलब कि 80 से बड़े हैं, तो फिर तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो फिर ही ये वाला ब्लॉक जो है इस वाले ब्लॉक में हम फिर ही एंटर होंगे, अदरवाइज ये इसको स्किप कर देगा, इसको छोड़ देगा और इसके आगे वाली जो कंडीशन होगी उसको चेक करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी सेम वही कंडीशन है लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ बस चेंज है।
तो अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो फिर इसके अंदर इस वाले ब्लॉक के अंदर एंटर होगा और बाकी सारे ब्लॉक्स को स्किप कर देगा। लेकिन अगर ये भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, मतलब ये भी अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों कंडीशन को स्किप करेगा और थर्ड वाली जो कंडीशन है इसको चेक करेगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। लेकिन अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करेगा, एल्स पार्ट में जाएगा, जो भी हमने अपना कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें सिर्फ तीन ही कंडीशंस दे सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी कंडीशंस इसमें दे सकते हैं, मतलब कि जितनी आपको ज़रूरत है उतनी दफ़ा आप यहाँ पे एल्स इफ लिख सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना।